आज लुधियाना के ऋषि नगर में स्थित आयकर भवन में इनकम टैक्स विभाग के मुख्य दफ्तर में चीफ कमिश्नर की ओर से इनकम टैक्स स्टेशन एडवोकेट और टैक्सेशन एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ एक विशेष बैठक की गई। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए एडवोकेट जितेंद्र खुराना द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से टैक्सपेयर और इनकम टैक्स एडवोकेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज की मीटिंग में इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं चीफ कमिश्नर मैडम जहां जेब अख्तर की ओर से पहल के आधार पर आ रही मुश्किलों का हल करवाने का भरोसा दिया गया है। और क्या कहना था एडवोकेट जितेंद्र खुराना का जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। हाँ चौगाई जी कड़ी बैठक की थी। मैं जितेंद्र खुराना एडवोकेट स्टेट रेजियन इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट एसोसिएशन अज अस इतने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऋषिनगर आयकर भवन आए हैं। इतने चीफ कमिश्नर मैडम वालों स्पेशल मीटिंग की गई है। टैक्सेशन एडवोकेट्स सी ए नाल अलग अलग बार एसोसीएशन एसोसीएशन मीटिंग की गई है। ये मीटिंग आके असी एसोसीएशन वालों कई सुझाव पेश किए हैं। दसिया है कि मैडम जी पिछले तीन साल दियाँ कुछ अपील्स है क्लाइंट्स लगिया हुई हैं एडिशन हुई हुई हैं तो उन्होंने कोई निपटारा नहीं हो रहा। तीन साल के अपील केस पेंडिंग है। कई साढ़े केस जिमें उदाहरण तौर पर 1 करोड़ रुपये की डिमांड हैगी है। हम डिपार्टमेंट की कह रहे हैं कि नोटिस भेज रहा है कह रहा था 20% जमा कराओ। असी मैडम रिक्वेस्ट की है कि जी अपील पेंडिंग भी है 3 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया उन्होंने निपटा सूँ है उम्मीद है वो पोस्टर साढ़े फेवर से फाइनल हो जाएगी अपील तो सा कोई टैक्स नहीं बनता बनेगा। ये नाल ही जो डिपार्टमेंट नोटिस भेजे गए डिमांड नोटिस कह रहे कि घट्टो घट्ट 20% जमा कराओ। वो साढ़े जो क्लाइंट है उन्होंने जमा कराना बहुत औखा है। वो इन्ने पैसे कितों लिया पहले ही बैंक कारोबार मंदा है तो बैंक जोड़ा है उन्होंने लिमिटा चल रही है कर्जे लैके कारोबार कर रहे हैं। तो ये नाल ही सानू मैडम ने शोर दिता है कि साढ़े जोड़े डिमांड हैगी है जो रिक्वेस्ट की है कि जो अपीलों पेंडिंग भी है पिछले कई सालों तो बोर्ड में भेजी जाएगी तो इन जल्दी ही निपटारा किया जाए। ये नाल ही साढ़े कुछ सुजैशन एसोसीएशन वालों ते नाल कुछ मंगा सी गया वो भी मैडम ने सानू अश्योरेंस दी हैगी कि जल्दी निपटारा किया जाएगा।